ये सभी को दिख रहा है, हम लोगों ने फिर से इसे लगा के दिखाइए। सर ये आप सब दिख रहा है तो जैसे हम लोग नॉर्मल रेगुलेटर लगाते हैं कि उसी तरह से इसको भी सिलेंडर में हम लोग लगाएंगे। ये गैस सेफ्टी डिवाइस आपका लग गया। अब इसको इस नॉब्स को हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है सर। ये ऑन हो गया। अभी अगर हम लोग नॉर्मल रेगुलेटर अगर होता तो ऑन करने के साथ ही गैस रिलीज होता, लेकिन हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे गैस रिलीज नहीं हो रहा है, नॉब ऑन है। सर आप देखेंगे, सर आप बताइए, ठीक है। माचिस कहाँ है? आप सब लोग देखें, ये गैस जो है ऑन है और मैं इसे माचिस लगा रहा हूँ। देखिए सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और ना गैस रिलीज हो रही है यहाँ से, ना कोई आग का ना खतरा का कोई यहाँ पे संभावना है, ना कोई डर है। और ये मैंने इस पे आग लगाया, लेकिन हमारा जब नॉर्मल रेगुलेटर अगर हम ऑन करते हैं तो गैस क्या होगा, बाहर की तरफ अपना मुंह कर देगा और आग लगाएंगे तो बहुत बड़ा दुर्घटना होने का चांसेस है। अब हम लोग ये नॉर्मल रेगुलेटर जो डेली यूज के लिए जो महिलाएं लगाती हैं अपने घरों में जो यूज करती हैं वो लगा चुके हैं और इसे भी ऑन कर देते हैं। लगाने के बाद ये गैस सेफ्टी डिवाइस को हम लोग दो बार प्रेस करते हैं। ये गैस सेफ्टी डिवाइस आपका गैस कितना है ये भी इंडिकेट करेगा। जिस तरह हम लोग गाड़ी में अपने फ्यूल को देखते हैं खत्म होते हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वक्त से पहले अपना तेल भरा लेते हैं गाड़ी लेकर जब सफर करते हैं, तो उसी तरह आप ये गैस कितना है ये भी आप देख सकते हैं। आप देखिए सर, ये दिख रहा है, आप जरा देख लीजिएगा। हाँ, ये कांटा आपके तरफ दिया हुआ है। सर आप यहाँ आ जाइए सर, थोड़ा आप सामने। हम लोग नॉर्मल जैसे घर में गैस चूल्हा ऑन करते हैं, ऑन करने से पहले क्या करते हैं, इस तरह से नॉब्स को ऑन किए, ऑन करने के बाद हम लोग के पास में लाइटर होता है, वो लाइटर को हम लोग प्रेस करते हैं, वहाँ से एक चिंगारी निकलता है, चिंगारी निकलने की वजह से आपका बर्नर जलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको ऑन करके हम छोड़ दिए, एक मिनट दो मिनट नहीं, एक दो घंटा नहीं, पूरे का पूरा दिन आप खुला छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा सप्ताह खुला छोड़ दीजिए, आपका घर में गैस नहीं फैलेगा, ना एक्सीडेंट होने का कोई चांस होगा। आप लोग आंखों के सामने देख सकते हैं, अगर हम लोगों का घर में ये नॉर्मल रेगुलेटर होता, डिवाइस अगर नहीं होता, इतना टाइम अगर हम लोग गैस खुला छोड़ दिए होते और अगर माचिस लगाते तो हम लोग यहाँ से कोई भी बच के नहीं जा पाते और एक्सीडेंट हो जाता। देख लीजिए साइड में नहीं चल रहा है, जब पास में ले गया तब ऑन हुआ, जब बर्नर के पास ही आया तब ऑन हुआ। ये सर डिवाइस का खूबी है, अगर आपका नॉर्मल रेगुलेटर होता तो हम लोग सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही हम लोग जो लाइटर को जलाने में लेट करते हैं, इतना दूर तक आग आ जाता है। अगर हम लोग जितना टाइम आपसे बात किए उतना टाइम अगर खुला छोड़ देंगे तो आग बहुत दूर तक फैल जाएगा। उस सर्कल में अगर आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर में भी आग लग सकता है। अब आपको हम दिखाएंगे कि रनिंग अवस्था में कैसे ये कटअप करती है। अगर हम लोगों का नॉर्मल रेगुलेटर हो, अगर आप रनिंग अवस्था में अगर ये पाइप खुल जाए या कट जाएगा तो क्या होगा सर, आप लोग प्लीज कोई रिप्लाई दे सकते हैं? डिवाइस है तो अगर डिवाइस नहीं रहेगा रनिंग अवस्था में अगर कट जाएगा ये एक्सीडेंट होगा ना सर। हम आपको भी रनिंग अवस्था में दिखाते करके, हाँ देखिए इस मीटर को भी आप लोग नोटिस करिएगा ये कैसे कर सकते हैं। ये देखिए ये रनिंग है, ऑयल जल रहा है और रनिंग में ये पैप को निकाल दिया जा रहा है। आप देखिए ये देखिए सर ऑन है,
अब माचिस देखिए जलाएंगे तो क्या होगा? आग लगना चाहिए ना? आग लग जाना चाहिए। क्यों क्यों नहीं लगेगी सर? क्योंकि ये डिवाइस यहाँ पे है, सेफ्टी डिवाइस। अगर ये माचिस अगर लगाते हैं, डिवाइस मतलब एक इंसान से भी ज्यादा एक्टिव है। अगर हम लोगों के साथ अगर ऐसा हादसा होगा तो हम लोग सिलेंडर छोड़ के भाग जाएंगे या पहले सोचेंगे कि करें तो क्या करें। लेकिन डिवाइस के पास इतना टाइम नहीं है। जैसे ही आपका पाइप अगर कटअप होता है या खुल जाता है रनिंग अवस्था में, ये तुरंत कटअप करेगी। और जब हम इसको एक्टिव करेंगे तो कैसे ये रिलीज करेगा, कि जैसे छोड़ेंगे ये कैसे कटअप करती है, ये भी हम आप लोगों को आंखों के सामने दिखाएंगे। देखिए किस तरह ये गैस फेंकती है। इसके लिए एक तालियां जोरदार होना चाहिए। आप सब लोग देख सकते हैं किस तरह से और कितना ज्यादा ये एक्टिव है। अगर आपका नॉर्मल रेगुलेटर होता सर तो हम लोग यहाँ से कोई भी भाग के नहीं बच पाते। सिलेंडर अभी तक फट गया होता और बहुत कुछ घटना घट सकती थी सर। अब आपको हम दिखाएंगे कि ये खुल जाने की वजह से, रनिंग अवस्था में ये अगर पाइप कटे तो कैसे एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा वो चीज़ हम आप लोगों को दिखाएंगे। पाइप को फिर से लगाया जा रहा है। गैस को देखिए एक्टिव कर दिया गया। देखिए सर, और ये फिर से ऑरेंज जलाया जा रहा है और गैस ऑन है। आग दिख रहा है, जल रहा है, आप लोगों को दिख रहा है जल रहा है। अगर ये काट दे, कोई चूहा अगर काट दे, ठीक है, पाइपों को रनिंग अवस्था में हम लगा कर गए, चूहा काट दिया, कहीं से लीकेज हो गया, पाइप का कुछ खराबी डिफ्यूट हो गया, तो हम लोग क्या होगा? गैस धीरे धीरे ये फैल जाएगा, क्योंकि ये हवा से भारी होता है। ये पहले नीचे की तरफ फैलता है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ अप होता है। ये देखिए किस तरह जो है ये रनिंग अवस्था में ये काटा जा रहा है। काट दे क्या? काट दे, छोड़ दे। अब देखिए ये पाइप आधा कट गया। पाइप जब कट जाता है देखिए, पाइप में अगर आग लग जाए तो ये क्विकली क्या हुआ, ट्रिप कर गया, ऑटोमेटिक ये बंद हो गया। एक बार फिर से ये ऑन हो गया, ये ऑटोमेटिक। थोड़ा सा भी आग अगर धरता है ये ऑटोमेटिक कटअप हो जाता है। अगर ये पैर फूटा भी खड़ी है तभी आप सब देख पाए होंगे कि रनिंग अवस्था में पाइप कैसे कटा। आपका ये ट्रिप कर दिया डिवाइस, और ट्रिप करने के बाद फिर से एक्टिव किया हम लोग लीकेज को बंद करने के बाद। और जब माचिस यहाँ पे हम लोग लगाए, आग यहाँ पे थी, तो थोड़ा सा जलने के बाद में सडनली ये इसका खूबी है सर, इसका स्पेशलिटीज है। आप लोगों ने देखा कैसा है ये सेफ्टी डिवाइस, सभी घरों की जरूरत है, जरूरत है या नहीं, लगाना चाहिए। तो हमारे टीका झा जो है यहाँ पे बैठी हुई है, आप लोगों के साथ क्लब मेंबर साथ है यहाँ के, और ये जो है गैस जो हमारा जो है एक महीना अगर जाता है तो ये क्या है, 10 दिन एक्स्ट्रा चलेगा, ठीक है। नॉर्मल रेगुलेटर से आपको 10 दिन जो है, 7 दिन आपका एक्स्ट्रा चलेगा, ठीक है। और एक चीज बता देते हैं कि ये रेगुलेटर अगर लगा था तो देखिए प्रेशर किस तरह था, ये गैस
आप देखिए ये सेफ्टी डिवाइस है नहीं, ये ऑन खुला हुआ गैस आप सब लोग देखिए ये नॉर्मल रेगुलेटर पे गैस अगर जैसे ही ऑन होता है तो कितना प्रेशर से ये देखा आप लोगों ने, लेकिन ये नॉर्मल से हटकर जो सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं तो इससे गैस सेफ्टी डिवाइस का क्या नॉब ऑन है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑन है गैस, ठीक है, और लेकिन माइक लगाते हैं देखिए यहाँ पे कोई भी गैस नहीं निकल रहा है। निकल रहा है क्या? नहीं। तो ये एक बेटर चीज़ है, हम लोग के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोडक्ट पे 3 साल का गारंटी है और 25 ईयर्स वैलिडिटी है। और इससे अगर होने वाले खतरों में कुछ भी होगा तो इसके लिए एक इंश्योरेंस भी दिया गया है, ठीक है, जेन्युइन इंडिया इंश्योरेंस है। ये 1,25,00,000 रुपए का इससे इंश्योरेंस है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, सेफ्टी के बारे में आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर एवरीबॉडी, आप लोग कैसे लग रहे हैं? आज जो आप लोगों ने सेफ्टी डिवाइस को देखिए, आप लोग आप सबके घर में गए हैं और इस बात को आप लोग फीलिंग करेंगे कि मेरे घर में भी फैमिली लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन लोगों के लिए भी सेफ्टी चाहिए। और हर गेस्ट लोग सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर निकलते हैं और आप लोगों के लिए इस बीच में जो आप लोग देखा है अपने, ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं घर के लिए बहुत एक सेफ्टी है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग अपने फैमिली के लिए अपने घर के लिए। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, एड्रेस भी दिया गया है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू। Thank you.